अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चीज़ बंस की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है, आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे ईस्ट, इसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं शुगर, इसके बाद मिल्क, नेक्स्ट है ऑयल, और हम यहाँ पे 1 egg ले रहे हैं। नेक्स्ट है मैदा 500 grams। सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ कप वाटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं, जैसा हम लोग रोटी का डो बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग ये वाला भी डो बना लेंगे, और इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से नीट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक बॉल लेंगे, इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद ये जो डो है हमारा, इसके अंदर रख देंगे, उसी बॉल में उसे रख देंगे। इसके बाद मैं इसको 45 मिनट्स के लिए राइज होने के लिए रख दूँगी। फिर एक पैन लेंगे, उसके ऊपर हम लोग ऑयल डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट, सॉल्ट, स्वीट कॉर्न्स, इसको हम लोग 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइनिंग ना आ जाए, और फ्लेम को हाई रखिएगा। तो देखिए इसके अंदर एक अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। तो अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। पैन में हम तेल डालेंगे, फ्लेम को हम बहुत हाई रखेंगे, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से 10 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर 3 से 4 मिनट तक। ये देखिए मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डाल करके 2 से 3 मिनट तक चिकन को हम अच्छे से पका गला लेंगे। ये देखिए मेरा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब बाहर निकाल लेते हैं इसको और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मैं इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ। जिस पैन में हम लोग बेक करने वाले हैं बंस को, उसके अंदर हम लोग ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसको मैदा से भी अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके से चीज़ क्यूब्स काट लिए हैं। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसको हम लोग पीसेस में तोड़ लेते हैं। ये देखिए, अब जो मैंने वेजिटेबल्स और स्वीट कॉर्न्स का मिक्सचर बनाया था, मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ। इसके अंदर हम लोग मेयोनीज ऐड करते हैं, सॉस, इसको अच्छे से एक मिक्स दे देता है। इसके बाद हम अपना डो देख लेते हैं। देखिए हमारा डो कितने अच्छे से फूल चुका है। इसको हम लोग 2 पीसेस में काट लेते हैं इस तरीके से कुछ।
इसको हम लोग बराबर हिस्सों में काट लेंगे और जैसे हम लोग आटे का बॉल्स बनाते हैं उसी तरीके से इसको बना लेंगे, रोटी के बॉल, लोई जैसे रोटी का हम लोग पेड़ा काटते हैं उसी तरीके से। इसको अच्छे से हाथों से ही दाब देंगे, फैला देंगे, फिर बीच में जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया था वो उसके अंदर डाल देंगे, एक चीज़ क्विप्स भी डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से, बीच में फोल्ड कर देंगे एक तरीके से कुछ। और जो पैन में हम लोग ने ग्रीस किया था ऑयल उसके अंदर हम लोग ये डाल देते हैं 10 मिनट के लिए और राइज होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए गैस पर रख रहे हैं। इसमें हम डाल रहे हैं नमक जो हमने पहले भी बेकिंग में यूज़ किया है। बीच में एक स्टैंड रख देंगे, इसे 10 मिनट के लिए हम प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं हाई फ्लेम। देखिए 10 मिनट हो चुका है, मेरा जो बर्न है वो अच्छे से राइस हो चुका है। तो यहाँ मैंने एक एग लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके ऊपर हम लोग ये ब्रश कर देंगे ताकि गोल्डन कलर आ जाए इस पर। इसके ऊपर मैं वाइट तिल डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए मेरा पैन अच्छे से अब गरम हो चुका है, तो इसके अंदर हम लोग ये डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं। 10 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 50 से 55 मिनट तक बेक करेंगे। जो ओवन में हम लोग बेक करने वाले हैं उस ट्रे को भी हम लोग अंडा लगा के और वाइट तेल स्प्रिंकल करके डाल देंगे ओवन में। देखिए 20 मिनट हो चुका है, हमारा बंस कितने अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए हमारा बंस बन के रेडी है। ये बहुत डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। आप अपने घर पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। और ये वाला पैन वाला है, इसके ऊपर हम लोग बटर अच्छे से लगा देंगे ताकि शाइनिंग आ जाए एक ऊपर में और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ये हमारा ओवन वाला है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितने अच्छे से शाइनिंग आई ऊपर में, एक कलर आया है कितना अच्छा सा। और ये देखिए हमारा पैन वाला बहुत अच्छा था और बहुत डिलीशियस था। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, कमेंट तो आप ज़रूर करिएगा, ट्राई भी करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ओके बाय।